आ जाओ भाई, दो इधर बैठे हुए हैं और दो यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं, और अब इन्होंने यहाँ पे तो मुझे लगता है ईंटों से मिट्टी निकाल के ना अब नीचे जाना भी शुरू कर दिया। और इनको आज बंद इसलिए किया हुआ क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, ये भी सारा नीचे से खा गए हैं और ये भी सारा खा गए हैं, ये भी इसी तरह सारे पौधे इन्होंने नीचे से ख़राब कर दिए। ये वाले गुलाब का भी इन्होंने बुरा हाल कर दिया, ये भी अच्छे से सारा तोड़ दिया और ये भी नीचे से खा गए हैं ये सारा भी। और ये देखें आप इतना तक पहुँच आए, ऊपर इनसे जाया नहीं गया और ये वाले बच गए हैं और नीचे वाला सारा इन्होंने सफाई कर दी। यहाँ पे एक अंडा हमें मिल गया, पता नहीं अब ये इस वाली मुर्गी का है या इस वाली, इन दोनों में से किसी का एक अंडा। और देखो कितना सा है, छोटू सा। उड़ जाओ, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक अंडा हमें शुक्र है मिल गया और वो मिला उस जगह पे। अब उम्मीद है कि डेली जो है ना हमें वहाँ पे अंडा मिल जाया करेगा। ये अपने जो केज में नहीं देती और जहाँ इनका बाहर दिल करे ना वहाँ दे देती है, तो फ़िलहाल ये वाला अंडा इसमें रखते हैं और इसको उठा के हम रखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सेफ़ रहेगा, नहीं तो इनमें से किसी ने नहीं छोड़ना, कोई ना कोई ना इनमें से। मुझे तो ये वाली मुर्गी पे शक है कि ये अंडे खाती है। एक अंडा इसने पहले दिया था और ख़ुद ही खा गई। और इतनी गंदी, और तुम किधर आ गए? चलो चलो तुम खा लो, चलो भी चलो यहाँ से नीचे से खा लेंगे। क्योंकि यार ये लावा पता नहीं इसको क्या मसला, हर एक को ना मारता रहता, कोई इसको मुंह नहीं लगाता, कोई भी इसके पास नहीं आता और ये फिर गुस्से से ना हर एक को मारता है, फिर से आके बैठ जाते हैं। जैसे हमारे दूसरी साइड वाले कबूतर है ना, इनका भी काम सेम वैसे ही है, ये इनको जो मर्ज़ी कर लो इन्होंने नहीं उड़ना। और ये आके बैठ गए, नहीं नहीं पार्टनर हमारा उड़ गया, लेकिन बस इसने ये बैठ गया, बस इतना सा उड़ना है। और इस साइड पे दो किसी के कबूतर आए हुए हैं, किधर गए? ये आ रहे काफ़ी ऊपर है, ये दोनों पता नहीं ये किसके हैं, इनको भी आज देख लेना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए अंडा दिए और बच्चा बाहर निकल रहा है, बच्चा हाँ रख देते हैं नीचे। इतना अंडा ये बच्चे ने खुद ही तोड़ा है और ये शाम तक ना बस इतना सा रह गया, ये खुद ब खुद बाहर निकल आएगा। ये लो बस इनको तंग नहीं करते, शाम तक ना सुबह तक, सुबह वाले व्लॉग में ये बच्चा निकला हुआ होगा। ये दोनों ये मेल हैं, कोई फ़ायदा नहीं इनका, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और बाहर भी नहीं निकलते, बस अंदर बैठे रहते हैं, यहाँ से दाना खाते हैं और फिर उधर जाके बैठ जाते हैं। जैसे देखती है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आके बैठ जाती है मेरे सर पे और बोलना शुरू कर देती है। रात को भी ना, रात को ये इधर होती हैं या ऊपर होती हैं, कभी कभी इन तारों पर चली जाती हैं और कभी कभी यहाँ पर चली जाती हैं, और इनकी आवाज़ रात को घर तक आती है। और ये भी देखें, ये भी हमारे खरगोशों के कमाल है, जहाँ जहाँ मेरी नज़र जाती है ना इनकी तबाहियाँ, ये भी सौरा खाली कर दिया अच्छे से, ये भी। और थोड़ा सा ये लो आ जाओ, अभी ये सारा चारा हमारी ये छोटी डक्स भी खाएंगे, रैबिट्स भी, मुर्गियाँ भी और ये सब भी। बाकी ये थोड़ा सा हम इनको शाम को डाल देंगे, थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि ये लड़ाइयाँ ना करें। जैसे चारा नीचे फेंके देखें कैसे टूट पड़े हैं सारे, ये हमारा छोटू गैंग भी आधा तो उधर गया खा के ना पानी पीने चला गया, और बाकी इधर खड़े हैं और चारों ये लाइन में बैठे हुए हैं। ये भी अपने हिस्से का उठा के उधर ले जा रहे हैं, और हमारी मुर्गियां भी आती हैं यहाँ से, थोड़ा सा उठाती हैं और अंदर आ जाती हैं। ये आ रहे, ये एक आगे इनका लीडर है, रुक जाओ इसका साइज़ आप देखें कितना बड़ा, ये सबसे बड़ा है ये वाला। और अब मुझे ना कंफर्म हो गया कि ये सारे इनका माँ बाप ना एक ही है, क्योंकि सबके कलर सेम ही निकल रहे हैं, जैसे ये कलर है ना वैसे ही। और फिर से सारे आके बैठ गए, चलो खाओ, अभी ये यहाँ से खाएंगे और फिर सीधा पानी के पास पानी पिएंगे, फिर इधर आ जाएंगे। फिनिक्स बेचारे की ना एक आंख को पता नहीं क्या मसला हो गया, एक आंख इसकी ना थोड़ी थोड़ी, कभी तो फुल बंद हो जाती है और कभी कभी थोड़ी थोड़ी खुली होती है, कोई समझ नहीं आ रही। एक तो जब इसके नज़दीक जाते हैं ना अपना मुँह अंदर कर लेता है, बंदा देख भी नहीं सकता इसको, धूप थोड़ी देर इधर रहेगी धूप में छोड़ देते हैं इधर, फिर उठा के हम इसके घर में इसको वापस रख देंगे ताकि ये खा ले। बेचारा यहाँ पे अटका खड़ा है, चलो जाओ जाओ भी, फिर मैंने नीचे रख देनी है इसे। जैसे यहाँ पे छोड़ते हैं ना इस जगह पे, ये ऐसे जैसे जन्नत में आ गया, चलो जाओ जाओ
चले जाओ, फिर मैंने नीचे रख देनी है और फिर इससे आगे नहीं जाया जाना। आँख आँख साफ कर रहा है अपनी यार। चलो खुद ही हम इसको आगे भेज देते हैं। इस साइड से जाओ, यहाँ से गुजर जाओगे। काफ़ी दिन से इसको हमने बाहर नहीं छोड़ा और बड़े मज़े से ये धूप लगवा रहा है बैठ के। इधर आओ ना ज़रा, इसको किधर इधर ही छोड़ते हैं ताकि ये यहाँ पे घूमे फिरे, आराम से बैठो, कोई मारे ना। ये मुर्गियाँ इसके पीछे लग जाती हैं और फिर इस बेचारे को मारना शुरू कर देती हैं। अंदर लावा, इधर आओ ना ज़रा। ये पता नहीं किसका कबूतर है और ये इधर ही चक्कर लगाई जा रहा है। मुझे लगता है हमारे जो उस साइड वाले कबूतर हैं वो बाहर निकले हुए हैं, ये उनको देख के यहाँ पे बैठने की कोशिश कर रहा है। फिर से वापस आ रहा है ये। एक दफ़ा ये बैठ ले उधर, फिर हम जाएंगे उस तरफ। और अभी हमने देखना है जो नुमान के कीड़े जो उसने बनाने के लिए रखे थे वो बने हैं, बने तो हुए थे, उनका साइज़ कितना हो गया, तो ऊपर चढ़ के वो देखते हैं। एक तो यहाँ पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। ओए ये तो बड़े ज़्यादा, इनका साइज़ तो काफ़ी बड़ा हो गया। कुछ छोटे हैं और कुछ का साइज़ ना काफ़ी बड़ा हो गया। ये रहे, हम तो इनको नहीं पकड़ने वाले, नुमान आ जाता है उसको बोलेंगे वही ना इनको उठा के, क्योंकि उसको डर डर नहीं लगता ना अजीब लगता है, वो इनको उठा के हमारी फिंच को जो बड़े बड़े होंगे वो उनको खिला देंगे। ओए ये सामने लड़ाई हो रही है हमारे लव बर्ड की, ये उठा के उनको डाल देंगे और बाकी जो छोटे बच जाएंगे उनका हम कुछ देर और इंतज़ार करेंगे, फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो भी इनको डाल देंगे। और यहाँ पे मुझे मिले हैं दो अंडे, पहले मैं आया हूँ इनको देख गया हूँ लेकिन मैंने उठाए नहीं। ये हमारे मॉन्स्टर के, वो फीमेल खड़ी सामने बाहर, ये रात को ऊपर आके बैठ जाती थी ना और इधर ही इसने अंडे देने शुरू कर दिए, तो अभी इनको इधर ही रखते हैं ताकि एक साथ ही उठाएँगे। और हमारे जो डायनासोर है ना उन्होंने भी, पहले मैं नीचे उतर, उन्होंने भी अंडे, चार अंडे सरप्राइज़ दिए। अली ने मुझे शाम को बताया था आगे कि हमारे जो मोस्ट डायनासोर हैं उनके चार अंडे वहाँ पे जहाँ पे हमने उनको बांधा हुआ था वहाँ पे पड़े हैं, तो अभी पीछे चलते हैं जाके ना वो अंडे देखते हैं। अब तो मुझे लगता है इसने पक्का इरादा कर लिया बच्चे निकालने का। इसका एक अंडा इस साइड पर नज़र आ रहा है और दूसरा इसने अपने नीचे रखा हुआ है, और जब से इसने अंडे दिए ना ये ऊपर ही बैठी हुई है। जब पहले इन्होंने अंडे दिए थे फर्स्ट टाइम तो इसका मेल उड़ गया था, ये भी अंडों से उठ गई थी। अभी इसने इरादा किया हुआ है कि ये बच्चे निकाल के रहेगी यहाँ पे। अब और जगह नहीं है, तीन अंडे, दो ये बड़े, एक बटेर का अंडा और एक इनका ही अंडा, ये वैसे पड़े हैं। छोटा अंडा भी एक साइड पे वैसे पड़ा है, ये तीनों चारों नीचे आए हुए हैं क्योंकि अब इनके ऊपर जगह नहीं बची। और वैसे भी अब पता नहीं, ये मुझे मेल ही लगता है, यह आजकल ना थोड़ा थोड़ा बीमार लग रहा है, पता नहीं किस। ओए ये क्या हो गया, फिंच का बच्चा कैसे बाहर आ गया बेचारा, और इसको मुंह से खून निकल रहा है। ये पता नहीं कैसे बाहर गिर गया, जगह अंदर शायद थोड़ी है ना यार, ये बच जाए बस, इसको वापस रखते हैं। ओहो मुझे तो नहीं लगता ये बच पाएगा क्योंकि छोटा सा है ना बेचारा। ये नीचे आई हुई है और इन्होंने मुझे परेशानी लगा दी, अंदर जगह थोड़ी है और बच्चे पाँच पाँच है, जैसे बड़े हो रहे हैं ना जगह और भी कम हो रही। इन्होंने तो अच्छे से कवर किया हुआ है आगे से ना, बंद किया हुआ है रास्ता, ज़रा भी नहीं छोड़ा हुआ जहाँ से बच्चे बाहर गिरे। और इन्होंने ना वैसे ही ये बस बच जाए, उसके मुँह से ना बेचारे के थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था क्योंकि अभी छोटा है, वहाँ से सीधा यहाँ पर नीचे गिरा होगा और मुझे लगता है कि इन्होंने भी मारा होगा हमारे बटेर ने, तो बस अब जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए, ये जाके उनके ऊपर बैठ जाए ना या फीड करवाएं तो हो सकता है वो बच जाएं। मेल फीमेल दोनों आज इधर आए हुए हैं और थोड़े टाइम तक फीमेल उधर चली जाएगी पीछे, और वहाँ पे इसके पहले चार अंडे पड़े हैं, कुछ चार पांच अंडे ये और देगी, उधर पीछे जाना है सीधा। और फिर हमारे जो टर्की बर्ड के अंडे हैं ना, मॉन्स्टर और डायनासोर दोनों के अंडे हम इसके नीचे ही रखेंगे। तीन अंडे बाहर पड़े हुए हैं, ये नीचे ले कर बैठो, एक अंडा इसके नीचे है और तीन बाहर पड़े। ये यहाँ पर बांधी हुई थी और यहाँ पे ना वैसे इसने अंडे कहीं दे दिए, अली ने देखा इसको और अली ने मुझे आके बताया, अभी फिर बैठी हुई है एक अंडा, ये आज और दे लेगी। और इसी तरह सात आठ जब इसके अंडे हो जाएंगे फिर ये अंडों पे बैठ जाएगी। और इस दफ़ा हमने, पिछली दफ़ा ये अपने अंडे पी गई थी ना, और इस दफ़ा हमने इसका यहाँ से पर निकालना है। एक मुझे किसी ने बताया कि पर निकाल के यहाँ से इसका ये जो नाक है ना इसमें से गुजार देना है और फिर ये अंडे नहीं पिएगी। जब पाँच छः दिन गुजर जाएंगे अंडों पर बैठेगी, उसके बाद हमने ये वाला काम करना है। दर्द तो इसको होगी थोड़ी सी, लेकिन ये अपने अंडे जो है ना
वो नहीं पिएगी। और हमारे मॉन्स्टर डायनासोर दोनों के अंडे, उनका भी अंडा सेम ही है तकरीबन ऐसे ही, और इसका भी, फिर उन दोनों के बच्चे निकल आएंगे इसके नीचे ही। ये सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है और ये डरता डरता भी नहीं। ओए काट रहा है, रुको रुको रुको, चलो 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 चलो, इधर छोड़ के इसको देखते हैं ना, क्योंकि बाद में इन्होंने इधर ही आना है। अभी फ़िलहाल ये वाले केज, इसका कोई डिसाइड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे होती है गर्मी, सारा दिन यहाँ पे धूप लगती है, तो हम सोच रहे हैं कि उस साइड पे बना दे दीवार के साथ, सुबह सुबह थोड़ी सी धूप हुआ करेगी और उसके बाद छाऊँ, आगे गर्मी आ रही है ना, तो फिर इनको मसला नहीं होगा, इसलिए ये अभी फ़िलहाल इधर ही पड़े हैं। शायद आज शाम तक इसको हम वहाँ पर सेट कर दें। कैसा फील हो रहा है नए घर में? इनको हम ये बड़ा वाला देंगे पोशन, ये वाला, ताकि ये इजीली, ये और हमारे छोटू गैंग तब तक बड़ा हो जाएगा, इन सबको ये वाला पोशन देंगे ताकि आराम से बैठे। अभी फ़िलहाल इसको खोल देते हैं बाहर, ये सीधा जाएगा अपनी फीमेल के पास। इनको आज फिर एक मौका देते हैं आज़ादी का, अगर इनके किस्मत में आज़ादी हुई तो ये चले जाएँगे। अभी दरवाज़ा फुल खुला है और ये बस, ओहे सही में बाहर आने वाले थे, मैं तो मजाक किया था, लेकिन ये फिर भी बाहर नहीं जाते, अभी भी खुले हैं, कोई टेंशन नहीं, बैठे हुए दोनों सामने, बस चलो इतना ही होता है। अब ऐसे ही हम ना इनको कभी कभी, यार चलो भी, कभी कभी इनको हम चांस दिया करेंगे कि ये उड़ जाएं, अगर इनकी किस्मत में हुआ तो ये चले जाएंगे। नुमान तो आज आया नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि खुद ही ना कोशिश करके यहाँ से कुछ कीड़े निकाल के हम इनको डाल देते हैं, और इतने से मुझसे निकले हैं। अब ये इतने से उनको डाल के चेक करते हैं खाती हैं या क्या करती हैं, बाकी फ़िलहाल रख देते हैं। अगर ये उन्होंने खा लिए तो उनको डाल देंगे, अगर ना भी खाए तो ये हमारी मुर्गियां तो फिर हैं, ये खा लेंगी। इतना वेट करने के बाद आखिरकार फीमेल जो है ना, वो आके बैठ गई है और खाने लग गई है, और ये डव इसको तंग कर रही है। पहले कभी इतना नज़दीक में इनके नहीं खड़ा हुआ, ये उड़ जाती थी, और आज इनको मुझे लगता है कि पहली दफ़ा ही ना ये चीज़ नज़र आई है, इसीलिए आराम से बैठ के खा रही। अब बस बाकी भी आ जाए ना, चलो तुम्हारा टाइम हो गया, इसको इसके घर में वापस रखते हैं। बस अब वो ऊपर बैठा हुआ है, वो नीचे आएगा फिर इन सबको बंद कर देंगे, बाकी तो बंद कर दिए हैं। और फिलहाल जो हमारी, चलो हमारी जो बिल्लियाँ हैं ना, उनका भी नाम कोई डिसाइड नहीं किया, एक का मैक्स और फीमेल का भी कोई नहीं, कोई अच्छा सा नाम मिलेगा तो उसका नाम हम रख देंगे। आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।